हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाना शेक बनाने जा रहे हैं और बनाना शेक के लिए मैंने लिए यहाँ पे पके हुए केले। ये 3 केले हैं, फ्रेश केले हैं और 2 जगह मैंने दूध डाला है। तो पहले मैं थोड़े से दूध में इसको पीस के आऊँगी, उसके बाद मैं ये दूध डालूंगी। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो ये थोड़े से डेकोरेट करने के लिए लिए हैं और मैं इसको पीसूँगी। इसमें किशमिश है, काजू है, बादाम है और ये इलायची पाउडर और ये आइस क्यूब और ये पीसी हुई चीनी है। इसके जगह आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों से मैं बनाने जा रही हूँ बनाना शेक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक मिक्सी ली हूँ, उसमें डालूंगी बनाना और बनाना डालेगी समीक्षा। समीक्षा डालेगी, वो बहुत ही एक्साइटेड रहती है। मुझे लगता है बड़ी होकर कुछ बने या ना बने, मास्टर शेफ जरूर बनेगी। तो समीक्षा डालेगी, स्पून से डाली छोटो और अभी से देखती है मैं कैसे खाना बनाती हूँ, मतलब हर एक बारीकी, छोटी छोटी बारीकी देखती है। तो आज ये बहुत सुबह से एक्साइटेड है कि इसको बनाना शेक बनाना है। तो आज समीक्षा बनाएगी बनाना शेक, है ना छोटो? तो समीक्षा यहाँ पे सब बनाना डालेगी इसके अंदर। मैं डाल दूँ सब? फ्रेंड, जैसा कि मैंने बोला कि मैं ये पहले थोड़ा सा दूध डाल के इसको पीस के आऊंगी, उसके बाद फिर मैं ये वाला दूध डालूंगी। देख, समीक्षा करते हैं, दूध डाल देती है और उसके बाद दीजिए छोटे स्पून दीजिए। और ये पीसी हुई चीनी है, तो पीसी हुई चीनी मैं डालूंगी, 3 चम्मच डालूंगी। आप इसके जगह हनी भी यूज कर सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं चाहिए तो। और ये इलायची पाउडर है, ये इलायची पाउडर मैंने डाल दिया। और ये आइस क्यूब, आइस क्यूब समीक्षा डालेगी। डाल दीजिए छोटो, ग्रेट, वाह, गुड। और थोड़े से ये जो ड्राई फ्रूट्स है, ये नहीं छोटो, ये तो डेकोरेट करने के लिए है ना, ये ले लीजिए, सब डाल दीजिए। और फ्रेंड्स, बताइएगा कि समीक्षा बनाना शेक बनाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कैसा बनाई है। ठीक है छोटू, फ्रेंड्स को बोल दीजिए। फ्रेंड्स, अब ये डालना है, थोड़ा सा ये डालना। फ्रेंड्स, मैं इसको पहले पीस के आती हूँ, उसके बाद मैं ये दूध डालूंगी। मैंने पहले थोड़ा सा दूध इसलिए डाला था कि ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए, उसके बाद मैं ये दूध डालूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसको पहले पीस के आती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं इसको पीसने जा रही हूँ। तो और देख सकते हैं, समीक्षा भी मेरे साथ आई है। तो मैं यहाँ पे ऑन करूँगी स्विच और समीक्षा यहाँ पे बटन दबाएगी, है ना छोटू? आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, जो भी बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट्स डाले थे सब। अब मैं दूध ला रही, जो बाकी के दूध थे। तो फ्रेंड्स, बाकी का जो दूध था मैं इसको ले आई हूँ और मैं इसको अब डालूंगी। तो यहाँ हमारा बनाना शेक बन के तैयार हो गया है। यहाँ मेरा बनाना शेक बन के तैयार हो गया है। आज आम का ये जूस तैयार हो गया, ये मैंने इसमें डाला था, फिर मिक्स किया है मैंने, फिर अच्छे से हम लोग उसे कटोरों पे खा लेंगे, फिर गिलास पे इसे सर्व करेंगे, उसे डालना है, फिर उसे डाल के दिखाते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं। खुशबू ने जूस बनाया है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि किस चीज का जूस बनाया है। तो आज बनाना शेक बना है, जो कि
सब रेडी हो चुका है, घर में सभी लोग थोड़ा बिजी हैं, तो थोड़ी देर में सर्व करते हैं। और फ्रेंड्स, मनीष जी का थोड़ा ऑफिस का काम आ गया है और हस्बैंड को भी ऑफिस का काम आ गया, फिर भी मैं बोल के आई हूँ कि आप लोग आ जाइए, प्लीज आ जाइए, ग्रुप में शामिल हो जाइए तो अच्छा लगता है, साथ में फैमिली साथ में बैठ के पीती है तो अच्छा स्वाद दुगुना हो जाता है। तो अभी मनीष जी शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन हस्बैंड को बोलूँ कि ऑफिस का काम जैसे फिनिश हो, हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं, बन तो गया है वैसे, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि वो आए फिर हम लोग साथ में पिए। दोस्तों, लोग कहते हैं कि डेली एक सेब खाइए आप लोग, अच्छे से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, लेकिन सेब के बाद अगर आप दो केले खाते हैं डेली तो आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत भरपूर मात्रा में आयरन मैग्नीशियम रहता है और जो कि हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है। और जो लोग जिम करते हैं, जो लोग जिम करते हैं वो 4 से 5 केला खाते हैं तो उनको उनके मसल्स अच्छे बन जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए केला बहुत ही अच्छा। और फ्रेंड्स, जैसे आपके घर में केला अधिक हो गया है तो आप उसको ऐसे रखेंगे खुले में तो वो खराब हो जाता है, तो आप उसको पीस पीस कट करके एयरटाइट डब्बे बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर उसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं एयरटाइट डब्बे में बंद करके, तो वैसे आपका केला 2-3 दिन तक चल सकता है। और केला का दाम जो है वो जितना भी फल अभी तक देखा जाए सबसे सस्ता है, तो आप डेली केला खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत महंगा है, जैसे सेब रहता है और भी फ्रूट्स रहते हैं, कीवी होता है, लेकिन केला देखा जाए तो बहुत ही सस्ता रहता है। तो हमारे घर केला अगर देखा जाए तो वो डेली ही आता है। दोस्तों, हमारे यहाँ केला डेली ही आता है, क्योंकि मेरे छोटे बेटे को केला बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं केला कम ही खाती हूँ। और अगर आपको डिप्रेशन है तो आप अगर केला खाते हैं और आपको बहुत फायदा मिलता है केला में, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, किसी को लूज मोशन हो रहा है अगर वो केला खाता है तो ठीक हो जाता है। तो अगर आप फल खाते हैं तो फल में सब तरह के विटामिन आपको मिलते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। ले दे के केला मुझे पसंद आता है। और केले की बात यह है कि केला अगर हम खाते हैं तो कहीं पे भी खा सकते हैं, इसमें जो परत है ना उस परत को खोल के आप खा लीजिए, तो केला को ये नहीं है कि इधर धोना है उधर धोना है, सारे फ्रूट को तो आप बहुत अच्छे से धो के खाते हैं, लेकिन केले का छिलका निकाल के आप कहीं पे भी है उसको खा सकते हैं, ये एक अच्छी बात है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। तो फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन भी है तो ऐसे ही घर पे अब बनाना सीख में जो भी सामान मैंने लिया है वो आसानी से आपको घर में मिल ही जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स रहते ही है घर में, दूध रहता ही है घर में, चीनी रहती ही है घर में, केला भी आप ले सकते हैं। तो बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है कि आप केले का सीख बनाना सीख कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग भी लॉकडाउन में आप क्या करें, बाहर तो जाना है नहीं, तो थोड़ा बहुत बाहर जाएंगे तो नारियल पानी पी लिए, कुछ जूस ले लिए, तो घर में ही जूस बना बना के हम लोग डेली अपने डाइट में ले रहे हैं और आप लोग साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे बनाना से एक मैंगो से एक मिल्क से कुछ भी आप बना के आप लोग भी अपने डाइट में लीजिए। दोस्तों, आपके घर में जो भी चीज है, जो चीज का हम लोग सेवन कर सकते हैं उसका जूस बनाइए और पीजिए, वो हेल्दी ही है जो भी चीज का बना के पीते हैं। आज मैंने खुशबू से कहा कि लौकी का जूस बनाओ, तो लौकी का जूस बनाई थी जो कि बहुत ही अच्छा था। तो किसी भी चीज का जूस बनाइए, टेस्टी लगता है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ सामान डाला जाता है जो कि ग्राइंड होने के बाद उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो आप लोग अपने डाइट में शामिल कीजिए। और खुशबू तो आजकल भीड़ गई है जूस बनाने के लिए, और समीक्षा तो डबल भीड़ गई है जूस बनाने के लिए ना बेटा। ये मैंने बनाया है, मैंगो शेक मैंने बनाया है, ऐसे बोलिए। नहीं, बनाना शेक मैंने बनाया है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट। ये मैंने बनाया है, ये गिलास मैंने लेके आया है, ये मम्मा ने लेके आया है। ये फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं खाली ग्लास है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब दोनों आए और साथ दे हम लोगों का। अकेले पीने में मजा नहीं है तो हम लोग वेट कर रहे हैं, बोले हैं कि 5-10 मिनट तक हो जाएगा काम, तो आ जाए पी ले
वीडियो में कम से कम आ जाए, फिर उसके बाद चले जाए, दिन भर तो काम लगा ही रहेगा। तो बस हम लोग खाली ग्लास लेके अभी बैठे हुए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप, जैसे मैं चीनी डालती हूँ, तो आप उसके जगह आप हनी भी यूज कर सकते हैं। जो लोग पतले हैं वो केला खूब खाएं और उससे आपका वजन बढ़ जाएगा, तो केला खाइए और खुश रहिए। दोस्तों, अगर किसी को बात, पित्त और कफ की समस्या है तो अगर केला खाते हैं तो ठीक हो जाता है। दोस्तों, इन लोगों के चक्कर में हमारा वीडियो हमेशा ही लेट हो जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि सारा दिन तो हम लोग अकेले रहते हैं, शाम का समय कम से कम साथ रहें, इसीलिए वेट कर रहे हैं कि बच्चे आए तो मिल्क शेक पिए हम लोग। फ्रेंड्स, केला ऐसा फल है जो आपको हर महीने मिल जाएगा, जैसे आम, तरबूज, सबका एक सीजन होता है कि हाँ, तरबूज थोड़े से मई जून आते तब ज्यादा मिलने लगते हैं, लेकिन केला आपको अगर देखा जाए तो हर महीने ही मिलेगा। तो आप केले को अपने डाइट में लीजिए, और अगर आप दुबले पतले हैं तो इसको आप देखिए, एक सप्ताह में अगर दूध केला खाते हैं तो आपको आप जल्दी से हेल्दी भी हो जाएंगे। शरीर बहुत ही कमजोर होता जा रहा है तो आप केले का सेवन अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं पे भी जल गए हैं और केला का पेस्ट लगाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। जो लोग जिम जाते हैं और जिनका ग्रोथ नहीं, मसल ग्रोथ नहीं होता, अगर वो केला 4 से 5 बार खाते हैं तो, और व्यायाम करते हैं, तो केला उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, उनका मसल भी गेन होने लग जाता है। दोस्तों, बहुत इंतजार करने के बाद अभी खुशबू गई थी पूछने के लिए, तो बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा। तो बनाना शेक अगर आप बना लिए हैं तो उसको ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना चाहिए, अगर जूस बन रहा है तो उसको तुरंत पी लीजिए, खासकर बनाना शेक। दोस्तों, फाइनली मनीष जी घर से बाहर आ चुके हैं और हमारी खुशी की जो सीमा है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो आइए खुश, आइए। हेलो, ओ माय गॉड, फिर मनीष जी चले गए हैं। कोई बात नहीं, उम्मीद अभी कायम है कि छोटा बेटा आ गया है तो बड़ा बेटा भी आ ही जाएगा, तो इंतजार कर ही लेते हैं। थोड़ा डांस कर दीजिए, डांस कर दीजिए, डांस डांस। दोस्तों, इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही इंतजार हो गया है। कोई बात नहीं, इंतजार कर ही लेते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप सिर्फ बनाना खा रहे थे तो आप कुछ नहीं खा रहे थे, आप जरूरी ट्राई कर लीजिए एक बार, मजा आ जाएगा गारंटी के साथ। दोस्तों, इतना इंतजार करने के बाद भी अभिषेक जी अभी बिजी हैं, तो चलिए अब बनाना शेक पीते हैं और बताते हैं कि कैसा बना है। चलो लीजिए। ज्यादा वाला मैं ले लिया। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब हम लोग बनाना शेक पीने जा रहे हैं और बता रही हूँ आपको कि कैसा बना है। अच्छा बना है। चीयर्स कर लेते हैं आज पहले। आज पहले चीयर्स कर रहे हैं। चीयर्स। चीयर्स। मस्त बना है। कैसा बना है माँ? बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। अच्छा है दोस्तों, मैंने जैसा बताया था ना, ये नहीं पिया तो कुछ नहीं पिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिए, अच्छा लगता है। और खुशबू के मेहनत को सपोर्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, बनाना शेक पीजिए, पिलाइए और काट के खाइए, छील के खाइए, जैसे आपका मन करता है वैसे खाइए, हर एक चीज के लिए फायदेमंद है। आप खुश
खुशी हैप्पी ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मम्मा के वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना। बाय बाय। चाचू को भी बोल दो ना कि चाचू का चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। चाचू की वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और छोड़ो कमेंट करना। चाचू के चैनल का नाम बोल दो। चाचू के चैनल का नाम बोल दो। चाचू के चैनल का नाम क्या है? एरोप्लेन नाम है। मेरे चैनल का नाम बोल दो। चाचू के चैनल का नाम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बाय एमकेटी। टेस्टिंग सॉफ्ट चॉप वेयर वेयर टेस्टिंग टेस्टिंग बाय बाय एमकेटी। एमकेटी एमकेटी का मींस एमकेटी का मतलब एमकेटी मनीष कुमार तिवारी। दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बाय एमकेटी का चैनल आपने नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, वहाँ पे विजिट जरूर कीजिए और खुशी हैप्पी ब्लॉग को हमेशा सपोर्ट कीजिए। तो जो जो आपके लिए इतना अच्छा अच्छा ड्रिंक बना रही है। सब कोई तो पी ली है लेकिन ये भी अभी आए मीटिंग से तो मैंने रखी हुई थी और ज्यादा देर तक बनाने से रखा नहीं जाना चाहिए, मतलब बना के तुरंत थोड़ी देर बाद ही पी लेना है। तो बस बुला के लाएंगे कि पी लीजिए कम से कम, तो ये पी के बताएंगे कि कैसा बना है। और समीक्षा का वाइजल्स वो बचा हुआ था, समीक्षा भी साथ दे दी अपने। अभी पी के बताता हूँ कैसा बना है। अच्छा बना है। समीक्षा एक ग्लास पी ली, अब उसको पता चला अच्छा बना है। कम से कम इसका बचा हुआ था जो पापा का साथ दे रही है। हम लोग पी लिए थे लेकिन अभी फाइनली इनका मीटिंग खत्म हुआ। कैसा बना है? अच्छा बना है, ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाला है तो ठीक ही लग रहा है। समीक्षा अपना थोड़ा सा जूस बचा के रखी थी कि उसके पापा आएंगे तो उसके साथ पिएगी। अब दोनों मिल्क बांट के अपना जूस को खत्म कर रहे हैं। मिल्क शेक को अच्छा लगा बनाना का जूस पी के। गर्मी का सीजन है तो थोड़ा शाम को थोड़ा बहुत ऐसा जूस वूस पीने में थोड़ा रिफ्रेश फील होता है। एंड आई थिंक तीसरा चौथा जूस है कुछ ट्राई किया गया है। तो गर्मियों की जो छुट्टियां हैं या दिन जो है अच्छे बीत रहे हैं ऐसा कह सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले दिन एक नया जूस लेकर। टक्कर पे बाय बाय दोस्तों। बाय बाय। नहीं दोनों बाय बाय। दोस्तों अगर बहुत कमजोरी लग रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, सुस्ती आ रही है, वीकनेस फील हो रहा है और मोटा वेट लॉस करना है, फैट बढ़ाना है, जो भी कुछ करना है केले का सेवन कीजिए, सब चीज में फायदेमंद है। और खुशी हैप्पी ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे कर दो ऐसे ये खुशी है फिर ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।